thank you so much for this big achievement for me. तो जी हाँ गाइस, फाइनली 300 के सब्सक्राइबर, यानी कि इसे हम कहते हैं फैमिली, तो 300 के फैमिली मेंबर पूरे हो चुके हैं। तो इसके लिए यार हम कहते हैं सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है, तभी जाके ये बिग अचीवमेंट पॉसिबल हुआ है। तो 300 के फैमिली कंप्लीट हुआ है, मेरा रिस्पॉन्स बढ़ता है कि आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आने का, मैं पूरे कोशिश करूंगा आपको भी अच्छे अच्छे वीडियो देने का। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को भी लाइक करोगे और आगे भी जो भी सारे वीडियो बनाऊंगा वो भी आप इस तरह सपोर्ट करोगे। तो गाइस आज जो वीडियो लेके आए बहुत ही खास है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आज जो वीडियो लेके आया हूं WCC3 के 10 एक्सपेक्टेड फीचर्स जो आने का बहुत चांस है, और ये सारे के सारे फीचर्स आएगा तो आप कहोगे वाह क्या फीचर्स है, और गेम भी बहुत अच्छा होने वाला है। ये सारे के सारे फीचर्स अगर WCC3 में ऐड होने वाला है, तो बता देता हूं WCC3 एक न्यू क्रिकेट गेम होने वाला है, तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होगा यानी कि एक्सपेक्ट करके मैं आपके लिए लेके आया हूं जो टॉप फीचर्स है जिसका डिमांड ज्यादा है, तो एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सो गाइस शुरू करता हूं, एक्सपेक्टेड फीचर्स नंबर 1 है IPL 2020 ऑक्शन एंड लेटेस्ट IPL जर्सी, यानी कि इस साल का IPL ऑक्शन और इस साल का IPL जर्सी WCC3 में आने का बहुत चांस रखता है, क्योंकि ये न्यू गेम होगा तो इसके अंदर न्यू न्यू फीचर्स भी होने वाला है। तो सेकेंड फीचर से रियल नेम एंड रियल जर्सी नंबर जो आपको WCC2 में देखने को नहीं मिलता है, तो इसके अंदर आने का चांस ज्यादा है, क्योंकि ये जो WCC कंपनी है नेक्स्ट मल्टीमीडिया, ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पार्टनरशिप किया है, तो इसके अंदर रियल नेम और रियल जर्सी नंबर आने का चांस ज्यादा हो जाता है। नंबर 3 फीचर से न्यू स्टेडियम एंड लार्ज ग्राउंड, तो ये यार आपको पता है कि WCC2 में हम सभी को लार्ज ग्राउंड देखने को नहीं मिलता है, तो WCC3 में लार्ज ग्राउंड के लिए बहुत डिमांड हो चुका है, तो आशा करता है कि हम लोग ये जो WCC3 होगा इसके अंदर हम लोगों को लार्ज यानी कि बड़ा ग्राउंड देखने को मिलेगा और साथ में न्यू स्टेडियम भी देखने को मिलेगा। नंबर 4 एक्सपेक्टेड फीचर से अपडेटेड ग्राफिक्स एंड लेटेस्ट जर्सी, इस साल का जर्सी जो भी सारे टीम में न्यू जर्सी है ये आने का चांस रखता है, और साथ ही साथ अपडेटेड ग्राफिक्स। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट मल्टीमीडिया बहुत बड़ा कंपनी है जिसका पार्टनर है नजराट गेम्स टेक्नोलॉजी, यानी कि दोनों कंपनी मिलकर WCC3 बना रहा है, साथ में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पार्टनर भी है, तो इसके अंदर अपडेटेड ग्राफिक्स होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बिग एंड स्टूडियो के साथ पार्टनरशिप भी कर रहा है, तो इसके अंदर लेटेस्ट ग्राफिक्स आने का बहुत चांस रखता है। उसके बाद गाइस अगला एक्सपेक्टेड फीचर से न्यू टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, T10 लीग, जो भी सारे टूर्नामेंट मिसिंग है वो आना चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 3 गेम में, जिसके लिए यार बहुत एक्सपेक्टेड है। और इसके बाद अगला जो मिसिंग फीचर से यानी कि एक्सपेक्टेड फीचर से फीमेल कमेंट्री और ग्राउंड से कमेंट्री, यानी कि WCC2 में भी आपको फीमेल कमेंट्री देखने को नहीं मिलता था और ग्राउंड से कमेंट्री भी देखने को नहीं मिलता था, तो ये मिसिंग फीचर्स वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 3 में आना चाहिए, क्योंकि अदर्स क्रिकेट गेम में अभी फीमेल कमेंट्री भी ऐड हो चुका है, तो उसको कॉम्पिटिशन देने के लिए तो वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 3 गेम में डेफिनेटली फीमेल कमेंट्री आना चाहिए। उसके बाद अगला जो फीचर्स है एक्सपेक्टेड फीचर्स, न्यू मल्टीप्लेयर मोड, 2 प्लेयर वर्सेस 2 प्लेयर, 3 प्लेयर वर्सेस 3 प्लेयर, यानी कि जो भी मल्टीप्लेयर मोड में अभी फीचर्स लेटेस्ट होगा जिसको यूज करके हम लोग स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड या फिर जो भी जितने भी सारे प्लेयर वर्सेस प्लेयर खेला जाए उतना ही मजा आएगा, तो ये भी एक एक्सपेक्टेड फीचर्स बन जाता है मल्टीप्लेयर मोड में। उसके बाद अगला जो फीचर्स है गाइस, न्यू कैमरा एंगल, न्यू एनिमेशन, यानी कि कैमरा एंगल्स में बहुत सारे चेंजेस करना चाहिए और साथ ही साथ न्यू एनिमेशन ऐड होना चाहिए ये वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 3 गेम में, क्योंकि एक बहुत बड़ा गेम आने वाला है, न्यू क्रिकेट गेम होगा, तो इसके अंदर डेफिनेटली न्यू कैमरा एंगल और साथ में न्यू एनिमेशन होना चाहिए, जिसे देखने के बाद ये लगे कि ये टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू कैमरा एंगल है, क्योंकि WCC2 का कैमरा एंगल यूज होगा तो गेम खेलने में बोरिंग जैसा लगेगा। उसके बाद अगला जो एक्सपेक्टेड फीचर है गाइस वो होगा न्यू मेन मेन्यू UI और साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक, यानी कि गेम का तो मेन मेनू चेंज हो जाएगा, साथ में न्यू आपको बैकग्राउंड साउंड भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि WCC3 न्यू गेम होगा तो इसके अंदर डेफिनेटली आपको न्यू UI और बैकग्राउंड साउंड अलग से देखने को मिलेगा। सो गाइस नेक्स्ट एंड फाइनल एक्सपेक्टेड फीचर से एक्स्ट्रा इनिंग्स, जी हाँ गाइस, गेम शुरू होने से पहले जो कॉमेंट्री सुनने को मिलता है यानी कि स्टूडियो से कॉमेंट्री सुनने को मिलता है वो मिसिंग है WCC
गेम में WCC सीरीज में। तो होप करता हूँ कि WCC 3 में हम सभी को स्टूडियो से कमेंट्री सुनने को मिलेगा और साथ में कमेंट्री बॉक्स भी नहीं है तो कमेंट्री बॉक्स फीचर्स को भी देखना चाहिए, यानी कि अदर्स क्रिकेट गेम में ऑलरेडी ये सारे के सारे फीचर्स देखने को मिलता है तो WCC 3 पीछे नहीं रहना चाहिए, ये मिसिंग फीचर्स को भी ऐड होना चाहिए। और आप कहोगे कि करियर मोड क्यों नहीं बताया आपने, तो गाइस करियर मोड इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है और ये एक बहुत बड़ा फीचर्स है तो इसके लिए यार मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ कि करियर मोड आएगा या नहीं, लेकिन अगर आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा वीडियो बना के। लेकिन ये सारे के सारे जो मैंने आपको फीचर्स बताया ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना, और आपको लगता है कोई कोई फीचर्स मिसिंग हुआ है मुझे से तो मुझे कमेंट करके बता देना। मिलता आपके साथ कोई न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।